नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और लगातार मौसम की मार है जो किसान को सताए जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार ओलावृष्टि चल रही है, बारिश आ रही है। इस तरफ देखिए आप, काफ़ी जो एकड़ सरसों की कटाई कर चुके हैं, अगर इस पर बारिश पड़ती है तो इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। गेहूं की फसल है जो वो बिल्कुल पक्के तैयार हो चुकी है। अगर अब मौसम मार पड़ती है मौसम की किसान पर, तो किसान जो कर्ज लेकर फसल तैयार करता है, अपने बच्चों की तरह इस फसल को पालता है, लेकिन एक तरफ तो सरकार की मार है क्योंकि किसान को पूरा भाव अपनी फसल का नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ मौसम की मार किसान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है कि चिंता की जो लकीरें हैं उसके चेहरे पर देखी जा सकती हैं। उनसे बात करेंगे कि अगर बारिश होती है, ओलावृष्टि जो चल रही है तो वो हो जाती है, तो क्या क्या नुकसान होंगे और कितना खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। तो आइए किसान से ही बात करते हैं। नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र जी, बताएंगे कि किस तरह की मौसम की मार आ रही है? मौसम की देखिए, फसलों तो तैयार है जी, सरसों की ऐसे, इसके कारण बारिश से मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहे हैं जी। पहले ही मतलब गरीब मारी हो रही है किसान की, तो इसमें कोई आमदनी तो पहले ही कौन नहीं, कर्जवान वैसे है, मोदी सरकार से बहुत परेशान है, इसके कारण मतलब जी क्या करें, मौसम की मार बहुत ज़्यादा है। कोई ब्याह है इसमें, क्या ज़्यादा नुकसान है अगर इसमें? कुछ ही कौन बचेगा जी, थोड़ी बारिश और होगी जी। तो कौन कौन सी फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं? सरसों की है जी, चने की है, कोई मतलब थोड़ा मोटा इक्का दुक्का चना भी लगा रखे किसान को। ये जो गेहूँ भी पक्के तैयार है जी, वो अड्डी पड़ जाएगी, बारिश हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा जी। तो किस तरह की किसान पर किस तरह की मुसीबत आ सकती है? मुसीबत तो बरमार ज़्यादा आ सकती है जी, हिसाब से चलेगा जी मौसम जी। ये जी मतलब 6 महीने की फसल तो बड़ी मुश्किल से मर के लेते हैं। पहले किसान मतलब कर्जवान है, इतना पैसा लग जाता है कि जी फसल बोने में, बुआई में मतलब बहुत ज़्यादा, इसके कारण मतलब बरमार मतलब पूरी नहीं हो रही जी। किसान ने पहले ही कर्जा लेके अपनी फसलों के लिए मतलब तैयारी करी थी, और ऊपर से अभी ये मतलब मालिक लग रहे हैं जी। क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो जी मतलब ये थोड़ा मतलब सरसों में जो बारिश है मतलब या ओला पड़ गया जो, कुछ नहीं बचना जी। हाँ जी, सरकार इसके लिए कोई आगे मतलब मुआवजा भी नहीं देगी, ये बात है। मिशत्र सिंह है जी, आप बताएंगे कि जिस तरह से मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है, हाँ जी हाँ जी, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो बहुत भारी नुकसान होगा जी। ऐसे अब 6 महीने के अंदर फसल अभी आई है, तैयार है फसल, अब ऊपर से मौसम खराब हो रहा है, नुकसान तो ज़्यादा ही भारी नुकसान होगा जी। तो क्या क्या किस किस चीज़ में नुकसान हो सकता है? नुकसान जी सरसों में है, और कड़े गेहूँ भी तैयार है जी, अभी बारिश होगी तो ओले पड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगी जी फसल तो जी। क्यों कर्ज उठा के फसल अभी तैयार है तो ये वो तो फिर जमींदार तो फेल ही है जी। किस तरह की चिंता सता रही है आपको? चिंता तो बहुत ज़्यादा सता रही है, जैसे मौसम ख़राब है जी, चिंता तो डेली रहती है जी, बहुत चिंता रहती है जी। मौसम ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और फसल काट रखी है, कुछ काटने के लिए रह रही है अभी, कड़क जी तैयार पे है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, नुकसान भारी नुकसान हो सकता है जी। 6 महीने के अंदर हमारी फसल आती है जी, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, कैसे है कर्ज उठा के फसलें लगाई है हमने, 6 महीने के अंदर अभी तैयार हो रही है फसल, तो ऊपर से नुकसान हो जाएगा, तो कर्ज उठा रखा है, बाणिया से कर्ज उठा रखा है जी, तो हमारे को बहुत समस्या आएगी जी, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी आगे, अगर फसल हमारी ख़राब होती है। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है जी, आगे खर्चे बहुत है जी, बच्चों की फीस भी है, अगर ये फसल ख़राब हो गई तो हमारे बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे जी हम, फसलें बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। अब बारिश हो रही है, मौसम ओले की बारिश है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जी जमींदार को जी।